भी बताना होता है। फिर है मित्र, दोस्त, उसका विलोम शत्रु, खुश, प्रसन्न, पर्यायवाची, प्रफुल्लित। आप किसी भी तरीके का विधि प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग आ रहा है तो आप उपसर्ग कर सकते हैं, प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं, आप संधि करवा सकते हैं। तो इसमें विधि में आप किसी भी तरीके के विधि को प्रयोग में लाकर इस कार्य जो है उसमें उसको उसके बारे में बताकर बच्चों को उनको बताएंगे। और फिर आपको ये करना है कि छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, आप ये बोर्ड पर उतार देंगे, उतार कर फिर बच्चों से, फिर जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि श्यामपट कार्य एवं पर्यवेक्षण। तो श्यामपट कार्य आप बच्चों को कहेंगे आप इसको कॉपी में उतारो और आप पूरी एक क्लास का चक्कर लगाकर वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। क्लास का चक्कर इसलिए लगाना है कि हमें देखना है कि बच्चों को जो भी आपने लिखवाया है वो बच्चे लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, इसलिए हमें पर्यवेक्षण करना होगा। तो छात्रों को श्यामपट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का निर्देश देकर छात्राध्यापिका द्वारा पर्यवेक्षण किया जाएगा। फिर आ जाएगा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपका पुनः सस्वर वाचन। तो गद्यांश के विचारों को सूक्ष्म रूप से ग्रहण करवाने हेतु विद्यार्थियों को सस्वर वाचन का निर्देश दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को वो पैराग्राफ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, उसका अर्थ ग्रहण हो जाए, इसके लिए हम एक बार और पुनः सस्वर वाचन बच्चों से करवाएंगे। तो छात्र अध्यापिका छात्र क्रिया में हम लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका के निर्देश के अनुसार पुनः वाचन करेंगे। अगला जो स्टेप है ये हम अब नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको ये धीरे धीरे इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको सब कुछ एक्सप्लेन हो जाए ठीक से और आप इसको उतार लें अपनी कॉपी में ताकि इसको आप समझ सकें। ये टुकड़ों में करा रही हूँ मैं इसको पूरा, आप अलग अलग पेज पर ये सारा उतार लें और फिर आप देखें कि एक पाठ योजना तैयार हो जाएगी, ये गद्य की है। अगला पॉइंट हम कल पढ़ेंगे।